बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। कंगना रनौत के पासपोर्ट रिन्यूअल पर कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब कंगना रनौत ने अपने फैंस को बताया है कि उनका पासपोर्ट रिन्यू हो चुका है। बीते कुछ दिनों से कंगना इसे लेकर काफी परेशान थी, लेकिन अब उनका पासपोर्ट रिन्यू हो चुका है और इस बात की जानकारी कंगना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। इस पोस्ट पर कंगना ने अपनी खुशी जाहिर की है। कंगना ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद चीफ, मैं जल्द ही आपके साथ होंगी। अपने इस पोस्ट में कंगना ने रजनीश घई को टैग किया है और साथ ही हैशटैग धाकड़ लिखा है। इस तस्वीर में कंगना की खुशी साफ देखी जा सकती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। कंगना ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती थीं और अक्सर वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स किया करती थीं। उनके ट्वीट्स पर कई बार हंगामा भी मचा था। हालांकि उन्होंने ऐसे ट्वीट्स करना बंद नहीं किए, जिसके चलते उनका ट्विटर भी ब्लॉक कर दिया गया और नफरत फैलाने को लेकर उन पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था। कंगना और रंगोली के खिलाफ 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस ने मुनावरली सैयद की शिकायत पर आईपीसी की धारा 153A यानी कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 124A यानी कि देशद्रोह और 34 यानी कि साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में कंगना ने पुलिस द्वारा दर्ज इस FIR को रद्द करने और मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद एक फिल्म की शूटिंग के लिए कंगना को बुडापेस्ट जाना था, लेकिन पासपोर्ट विभाग ने इसी FIR के चलते उनका पासपोर्ट रिन्यू करने में आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद कंगना ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की। बता दें कंगना की ये फिल्म धाकड़ है। कंगना के इस फिल्म में उनके बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी नजर आएंगे, जिनके पोस्टर्स भी सामने आ चुके हैं। वहीं कंगना धाकड़ के अलावा तेजस और थलाइवी नाम की फिल्मों में भी दिखेंगी। थलाइवी तमिलनाडु की कद्दावर राजनेता और दिग्गज अदाकारा जे जयललिता की जिंदगी और उनके राजनीतिक करियर पर बेस्ड है, जिसमें कंगना जयललिता का किरदार निभाती दिखेंगी। वहीं इसके अलावा एक्ट्रेस इंदिरा गांधी पर आधारित फिल्म इमरजेंसी में भी दिखेंगी। अगर आपको कंगना से जुड़ी ये खबर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।